सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। आज मैं आपको पिज्जा की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। मैं आज आपको फुल रेसिपी सिखाऊंगी, पर स्पेशली मैं आज आपको डो सिखाने जा रही हूँ कि डो हमारा पिज्जा का परफेक्टली कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि अगर हमारा डो परफेक्ट बन के आएगा तो पिज्जा अपने आप ही परफेक्ट बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम डो की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने इंग्रीडियंट्स इकट्ठे कर लिए हैं, तो चेक करते हैं किन किन चीजों की हमें जरूरत है। ये मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, 1/2 कप दही, ये मैंने 2 दिन पुरानी दही खट्टी यूज की है बिल्कुल ही और रूम टेम्परेचर पर मेरी दही है, 1/2 लेमन मतलब आधा नींबू का रस, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून चीनी। आप किसी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते और हम डो लगाते हुए बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए डो लगाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले एक बाउल लीजिए। एक बाउल ले लिया है मैंने, इसके अंदर मैदा ऐड कीजिए, साथ में नमक, सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स आप ऐड कर दीजिए, चीनी, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। इन सब सूखे इंग्रेडिएंट्स को मिला लीजिए हाथ की सहायता से या चम्मच की सहायता से, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये मिक्स हो चुके हैं, अब देखिए इसके बीच में एक होल कीजिए इस तरह से और इसमें थोड़ी थोड़ी दही डालना स्टार्ट कर दीजिए इस तरह से। पहले हमें आधी दही का ही इस्तेमाल करना है। ये देखिए आधी दही अभी साइड में रख देंगे। अब हम इसको आधे मिनट इसी तरह मिलाएंगे। ये देखिए उंगलों की सहायता से ही मिलाइएगा, बिल्कुल भी हमें जोर नहीं लगाना होता है पिज्जा के डो में। अगर हम ताकत लगाएंगे तो ये टाइट हो जाता है। ये देखिए जब इस तरह से क्रम्बली फॉर्म में आ जाए, इसके अंदर नींबू का रस डाल दीजिए इस तरह से बीच में और इसको भी मिक्स कर लीजिए। नींबू का रस भी हमारा मिक्स हो चुका है, अब हम तेल डालेंगे। ये देखिए मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा तेल बचा लिया है। उंगलियों की सहायता से ही आपको ये भी मिलाना है अच्छे से। ये देखिए अच्छे से हमारी सब चीजें इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना क्रम्बली आटा बनकर आ चुका है। अब हम बची हुई दही से इसका आटा तैयार कर लेंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके डालकर इसका आटा तैयार कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये बाइंड होने लगी है अपने आप ही, दही की सहायता से ही बाइंड कीजिएगा आप। और अगर आपको लगे कि आपकी दही की कंसिस्टेंसी या दही कम पड़ रही है तो आप थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वार्म मिल्क का इस्तेमाल कीजिएगा, ठंडे दूध का नहीं। इस तरह से ये देखिए आटा को इकट्ठा कर लीजिए और इसको एक डो में कन्वर्ट कर लीजिए। ये देखिए आटा हमारा सारा इकट्ठा हो चुका है और आप देख सकते हैं ये काफी स्टिकी है। अब इसके अंदर तेल डालिए, सारा तेल नहीं डालना है हमें, ये 1/2 टीस्पून मैंने तेल डाल दिया है। इसको इस तरह से रोल कर लीजिए इसमें। ये देखिए रोल हो चुका है, अब हम आटे को लेंगे और इस तरह से टक कर देंगे। ये देखिए और इसे कवर करके आप 3 घंटे के लिए साइड में रख दीजिए। 3 घंटे हो चुके हैं आटे को रखे हुए, अब हम चेक करेंगे। ये देखिए आटा हमारा अच्छे से फूल गया है। अब हम इसकी एक्स्ट्रा एयर निकालेंगे इस तरह से, ये देखिए पंच कर लीजिए, सारी एक्स्ट्रा एयर इसकी निकाल लीजिए।
सारी निकल गई है, इसे एक बार इस तरह से इकट्ठा करके मिक्स कर लीजिए। ये देखिए कितना चिकना और सॉफ्ट डो बनकर आया है। इसी तरह हमें पिज्जा का डो चाहिए। आटा हमारा तैयार है, तो चलिए अब इसका हम पिज्जा बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले सूखा आटा लीजिए और इसके ऊपर इस तरह से डस्ट कर लीजिए और इसे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। मैं इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। ये देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, इसे रोल कर लीजिए। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, अब हम इसकी पिज्जा बनाना स्टार्ट करते हैं। पिज्जा बनाने से पहले हम इसके बचे हुए इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे। बचे हुए इंग्रेडिएंट्स है चीज ग्रेटेड किया हुआ, कैप्सिकम, टमाटो, अनियन। ये आप अपने जरूरत अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटो सॉस या पिज्जा सॉस, नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो और 1 टेबलस्पून ऑयल। तो चलिए अब पिज्जा को रोल आउट करते हैं। एक बॉल ले ली है मैंने, इसके ऊपर सूखा आटा डस्ट करेंगे हम। इस तरह से डस्ट कर लिया है मैंने और इसे फैला लीजिए। आप चाहे तो हाथ की सहायता से भी इसे इस तरह से फैला सकते हैं, ये रोलिंग पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बेल लिया है और इसे मैंने थोड़ा सा बड़ा बेला है और थोड़ा सा पतला, क्योंकि मैं आज थिन क्रस्ट पिज्जा बनाने जा रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल पिज्जा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसकी रेसिपीज आपको मेरी चैनल पर इजीली मिल जाएंगी। तो चलिए इसको हम प्लेट या फिर जाली, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर रखते हैं। ये देखिए मैंने जाली ले ली है, अब हम इसके ऊपर पिज्जा इस तरह से फैलाएंगे और उंगलियों की सहायता से इसे कोनों से इस तरह से फैला लीजिए। ये देखिए घुमाते हुए जाली के अंदर ही फिट हो जाना चाहिए। इस तरह से आप इसे फैला लीजिए। ये देखिए सारे कोनों में अच्छे से ये फैल चुका है। अब आप एक नाइफ लीजिए या फिर फोक लीजिए, उसकी सहायता से इसमें इस तरह से प्रिक कर लीजिए ताकि ये फूले ना। ये देखिए अच्छे से प्रिक भी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे ताकि ये ड्राई बनकर ना आए। इस तरह से आप बटर भी स्प्रेड कर सकते हैं, ये अच्छे से बीच में भी और कोनों में भी। अच्छे से ऑयल स्प्रेड हो गया है, अब हम सॉस स्प्रेड करेंगे। ये टोमेटो सॉस 2 चम्मच इसके ऊपर डाल लीजिए और इसे स्प्रेड कर लीजिए। ये देखिए ऑयल लगा है तो ये स्लिपरी होगी, इसलिए ध्यान से स्प्रेड कीजिए। ये थोड़े से कॉर्नर्स छोड़ के ये देखिए सॉस स्प्रेड हो चुकी है। इसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कीजिए। नमक स्प्रिंकल हो गया है, काली मिर्च, काली मिर्च भी स्प्रिंकल हो गई है। अब चीज स्प्रेड कीजिए। ये देखिए चीज भी स्प्रेड कर दिया है, अब हम सब्जियां स्प्रेड करेंगे। सबसे पहले कैप्सिकम, मैंने बहुत छोटे छोटे कैप्सिकम काट रखी है, आप अपने साइज के हिसाब से काट सकते हैं। अब हम टमाटो लेंगे, इसके भी पीसेस इस तरह से रख देंगे। प्याज, प्याज भी हमने स्प्रेड कर दी है, अब दोबारा इसके ऊपर चीज स्प्रेड करें। चीज स्प्रेड कर दिया है, दोबारा मैं थोड़ी सी कैप्सिकम इसके ऊपर डालूंगी। आप कैप्सिकम की जगह प्याज या फिर टमाटर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चिली फ्लेक्स डालेंगे इसके ऊपर, जितना तीखा पसंद करते हैं उतना चिली फ्लेक्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और साथ में ऑर्गेनो।
और अब हमारा पिज्जा बेक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई को पहले ही प्रीहीट करने रख दिया था। ये देखिए, इसकी फ्लेम एकदम लो कीजिए और इसमें पिज्जा रख दीजिए बहुत ही धीरे से। ये देखिए, पिज्जा अच्छे से हमने सेट कर दिया है। फ्लेम मीडियम कीजिए और इसे 20 मिनट पकने दीजिए। हम 20 मिनट इसे इसलिए पका रहे हैं क्योंकि ये थिन क्रस्ट पिज्जा है, अगर हम इसे ज्यादा देर पकाएंगे तो ये जल जाएगा। पर अगर आप नॉर्मल पिज्जा बना रहे हैं तो 25 या 30 मिनट पकाइए। अब इसे कवर कर देंगे और 20 मिनट बाद चेक करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे। सबसे पहले आप इसकी फ्लेम लो कीजिए और फिर इसे चेक करिए। ये देखिए, एकदम परफेक्टली पककर आ चुका है। हमारा चीज भी मेल्ट हो चुका है और हमारा सब्जियां भी पक चुकी हैं। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, पिज्जा को मैंने एक बोर्ड पर निकाल लिया है और अब हम इसे कट करेंगे। पिज्जा कटर की सहायता से इसे कट कर लीजिए। ये काफी सॉफ्ट पिज्जा बनकर आया है, इतनी इजी हमारा कट हो रहा है। मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। अब हम इसे, ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितना चीजी बनकर आया है। ये देखिए, देखने से ही पता चल रहा है बहुत ही सॉफ्ट और चीजी पिज्जा हमारा बना है। ये देखिए, इस तरह से ही आप भी बनाइए और मुझे बताइए कि आपका कैसा बना है। पर आज हम पिज्जा एक बहुत ही अलग ढंग से और नए तरीके से बनाएंगे। आज मैं आपको पिज्जा कप सिखाने जा रही हूँ जो कि हम गैस पर तैयार करेंगे। पिज्जा कप्स नॉर्मली ओवन में ही तैयार किए जाते हैं, पर मैं आज आपको गैस पर पिज्जा कप्स किस तरह तैयार किए जाए वो बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए, उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज्जा का डो तैयार करते हैं और डो तैयार करने के लिए इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। पिज्जा डो के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 कप मैदा, ये मैंने 1/2 कप दही ली है, 2 टेबलस्पून मैंने दूध लिया है, 1/2 नींबू, 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, नमक स्वाद अनुसार इस्तेमाल करें, ये मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है, आप पिसी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। तो चलिए, इसका डो लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लीजिए, उसके अंदर ये मैदा डाल दीजिए। साथ में अब हम डालेंगे नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर और साथ में बेकिंग सोडा, और इन सबको मिक्स कर लीजिए। ये सारी सूखी चीजों को पहले एक बार मिक्स कर लीजिए अच्छे से। सारी सूखी चीजें हमारी मिक्स हो चुकी हैं। इसके बीच में इस तरह से एक होल करिए और दही डाल दीजिए सबसे पहले। इसी के साथ आप नींबू का रस डाल लीजिए, ये मेरा आधा नींबू का रस निकल कर आया है, और इनको मिक्स कर लीजिए। जब ये 1/2 मिक्स हो जाए, पूरी तरह ना मिक्स हो, उसी टाइम पर आप इसके अंदर तेल डाल लीजिए। ये मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया था, ये डाल दिया है, और अब अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। आप पिज्जा का डो लगाते हुए हमेशा ध्यान रखें, इसको बहुत ही लाइट हाथों से लगाएं। अगर हम इसमें जोर लगाते हैं तो पिज्जा का डो टाइट हो जाता है और हमारा पिज्जा सख्त बनकर आता है। अब दूध की सहायता से इसका एक बहुत ही नरम आटा लगा लीजिए। ये देखिए, डो तैयार है और ये काफी स्टिकी स्टिकी और बहुत ही सॉफ्ट बनकर आया है। ये देखिए, इस तरह से फिंगर डाले तो एकदम आटा चिपक जाए, इतना सॉफ्ट होना चाहिए ये। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल फिर डालेंगे, या साइड में डाल लीजिए ऑयल, और इसको अच्छे से ऑयल से अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि जब हमारा ये फूले तो एकदम ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से ऑयल से कोट कर लीजिए और इसे अब कवर करके 2 घंटे के लिए वार्म प्लेस पर रख दीजिए।
जब तक हमारा आटा रेस्ट हो रहा है हम बाकी इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लेते हैं। ये देखिए बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे टमाटो सॉस। आप इसकी जगह पास्ता सॉस या फिर पिज्जा सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोज़रेला चीज, एक शिमला मिर्च कटी हुई, एक टमाटर कटा हुआ, एक छोटा प्याज, चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो। सब्जियां आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब पिज्जा डो को चेक करते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए मेरा पिज्जा डो कितना फूल चुका है। ये अच्छे से हमारा फर्मेंट हो चुका है। इसको इस तरह से थोड़ा सा पंच करके इसकी एक्स्ट्रा एयर निकाल लीजिए और इसे एक बार मिक्स कर लीजिए। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमने इसका एक डो तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लीजिए और इस तरह से डस्ट कर लीजिए और इसे 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लीजिए। ये 3 पोर्शंस में डिवाइड हो चुकी है और इसको इस तरह से अच्छे से आप इसकी एक बॉल बना लीजिए इस तरह से रोल करके। ये देखिए एक बॉल बन चुकी है। थोड़ा सा सूखा आटा लीजिए और डस्ट करके इसे आप रोल आउट कर लीजिए। इसे हमें ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है और ज्यादा पतला भी नहीं। हमारी रोटी बेल चुकी है। ये मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। ये देखिए ज्यादा पतली भी नहीं है और ज्यादा मोटी भी नहीं। जैसे हम पराठा बेलते हैं उतना ही हमें इसकी थिकनेस रखनी है। तो चलिए अब इसके कप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। कप्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसे गोल शेप्स में काटना होगा। काटने के लिए मैंने एक नॉर्मल कटोरी ली है। आप चाहे तो कोई ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसे काट लीजिए। ये देखिए मेरे 5 कप्स इसमें बनकर आए हैं। अब हम इसे एक्स्ट्रा आटे को निकाल लेंगे। और इसको बाकी बचे आटे के साथ रख देंगे और इन कप्स को अभी एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। इसी तरह मैं 10-12 कप्स बनाकर तैयार कर लूंगी। ये देखिए बन चुके हैं। इसी तरह आप 10-12 बनाकर तैयार कर लीजिए। ये देखिए मैंने 10-12 कटोरीज बनाकर रख ली हैं। तो चलिए अब इसके कप्स बनाते हैं। ये देखिए पिज्जा कप्स बनाने के लिए मैंने अपम स्टैंड का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इडली स्टैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल लीजिए। ये देखिए मैंने ऑयल डाल लिया है और टिश्यू पेपर की सहायता से इसे अच्छे से कोट कर लीजिए ताकि सारी साइड अच्छे से कवर हो जाए। ये अच्छे से कोट हो चुका है तेल। अब आप एक पूड़ी लीजिए। ये देखिए और इसको इस तरह से लेस कीजिए। ये बहुत ही नॉर्मली मेरी आ जा रही है। ये देखिए मैंने इसी साइज की बनाई है। इसी तरह आप सारी लेस कर दीजिए। ये देखिए सारे कप्स मैंने अपम स्टैंड में प्लेस कर दिए हैं। अब इसके अंदर हम सब्जियां और सॉस डालना स्टार्ट करेंगे और इसे पिज्जा कप्स में बदलेंगे। ये देखिए मैंने सॉस ले लिया है और सब्जियां ले ली हैं। सबसे पहले हम सॉस इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी सॉस इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। सॉस स्प्रेड हो चुकी है। अब सब्जियां डाल लीजिए। सबसे पहले मैं प्याज डालूंगी। प्याज डालने के बाद मैं इसके अंदर कैप्सिकम डालूंगी। ये 3-4 बाइट्स कैप्सिकम की। कैप्सिकम भी डाल दी है। अब टमाटर डालेंगे। 2-3 बाइट्स टमाटर भी डाल दिए हैं हमने। अब मैंने हर्ब्स और चीज ले लिया है। मैंने चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो दोनों को मिक्स कर लिया है। इसके अंदर हर्ब्स डालेंगे। अब हम हर्ब्स भी स्प्रिंकल कर दी है मैंने। अब हम चीज डालेंगे इसके ऊपर। ये देखिए चीज बाहर ना निकले, इसके अंदर ही रहना चाहिए। इस तरह डालिए आप।
ये देखिए चीज भी मैंने कोट कर दिया है, अब ये बेक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए सबसे पहले मीडियम फ्लेम पर एक नॉनस्टिक या नॉर्मल तवा जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको रखिए, उसके ऊपर आप अपन पैन को प्लेस कर दीजिए और इसको कवर करके 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर ही पकने दीजिए। अगर आप इसे डायरेक्ट पकाएंगे तो आपके कप्स जल सकते हैं और वो कच्चे भी रह सकते हैं, तो आप इसको इसी तरह पकाएं। 10 मिनट हो चुके हैं, इसकी फ्लेम आप एकदम लो कीजिए स्टैंड पर और इसे चेक कीजिए। ये देखिए हमारे पिज्जा कप्स एकदम परफेक्टली पक चुके हैं, उनको चेक करेंगे इस तरह से। ये देखिए कितने अच्छे से बेक हो चुके हैं, ये इसकी फ्लेम बंद कर दीजिए। ये देखिए ये पक चुके हैं, अब आप इसे एक प्लेट में निकालकर गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही टेस्टी और इजी स्नैक है जिसे आप किसी पार्टी या फिर फंक्शन के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपको कुकर में मिनी पिज्जा बनाना सिखाऊंगी। ये बिल्कुल पिज्जा की तरह ही रेसिपी है, बस हम इसकी शेप छोटी बनाएंगे और इसको कुकर में बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए आटा, ये मैंने पिज्जा का आटा लगाकर रखा था और इसे 12 से 14 घंटे फर्मेंट के लिए रख दिया था और हमारा फर्मेंट करा हुआ आटा तैयार है। इसकी रेसिपी आप मेरे किसी भी पिज्जा के वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। साथ में मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, ये मैंने एक छोटा प्याज उसको पीसेज में काट लिया है, ये मैंने आधी गाजर लिया उसको भी पीसेज में काट लिया है, एक शिमला मिर्च और एक टमाटर इसको मैंने सीडलेस मतलब बीज निकालकर काट लिया है। टोमेटो सॉस लेंगे, चीज, बटर, इसकी जगह आप तेल भी यूज कर सकते हैं, चाट मसाला, काली मिर्च और नमक। इंग्रेडिएंट चेक कर लिए हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको अनकवर कीजिए और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसकी रोटी जितनी बॉल बनाएंगे, जितने आप रोटी के लिए बॉल बनाते हैं उतनी ही इसकी बॉल बनाकर तैयार कर लीजिए। अगर आपका आटा ज्यादा स्टिकी है तो सूखा आटा यूज करें। देखिए इस तरह से दो या तीन बॉल बनाकर रख लीजिए। दो बॉल बना लिए, बचा हुआ आटा साइड रख देंगे और इसे कवर करके ही रखिएगा। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डालेंगे। एक बॉल को अभी साइड रखते हैं और एक को इस तरह से हम सूखे आटे से रोल कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ की सहायता से भी इस तरह भी फैला सकते हैं या रोलिंग पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमें ज्यादा बड़ा नहीं बेलना है क्योंकि हम मिनी पिज्जा बना रहे हैं, बस थोड़ा सा हम इसे सेम शेप में कर लेंगे। ये देखिए बेल चुका है, इसको साइड रखते हैं। इसी तरह आप दूसरा भी बेल कर तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमने दूसरा भी बेल कर रख लिया है। अब जिस बर्तन के आप अंदर पकाना चाहते हैं उसे हम ग्रीस करेंगे, क्योंकि हम इसे कुकर में बना रहे हैं तो मैं इसे इस तरह एक टिन में बनाऊंगी। एक हम टिन के अंदर इसे रख देंगे और दूसरा मैं इसे प्लेट के अंदर बनाऊंगी। ये स्टील की प्लेट है, इसमें भी आपका ये इजीली पक जाएगा। दूसरा इसके ऊपर रख देंगे। दोनों बर्तनों को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया था, अब हम इसे फोक से प्रिक करेंगे ताकि हमारा पिज्जा फूले ना। ये भी इसी तरह प्रिक कर लीजिए। दोनों प्रिक हो चुके हैं, टोमेटो सॉस लगाएंगे इनके ऊपर। ये देखिए थोड़ा सा साइड्स बचा दीजिएगा। सॉस लगाने के बाद हम बिल्कुल ही छोटा छोटा क्यूब इसके ऊपर चीज बटर का डालेंगे, फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज डालेंगे। ये स्टेप पर चीज ऑप्शनल है। नमक स्प्रिंकल करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर, और चाट मसाला।
चाट मसाला भी स्प्रिंकल हो चुका है, अब हम इसके ऊपर सब्जियां प्लेस करेंगे। सबसे पहले प्याज, कैप्सिकम, गाजर, और लास्ट में टमाटर। सब्जियां प्लेस करने के बाद हम दोबारा चीज डालेंगे। ये अच्छे से एकदम चीज डाल दीजिए। ये देखिए दोनों पर चीज मैंने अच्छे से लगा लिया है और पिज्जा बेक करने के लिए हमारा बिल्कुल तैयार है। कुकर में नमक गरम करने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था, इसलिए मेरा कुकर एकदम प्री हीट है। आप बर्तन को हमेशा प्री हीट करके ही उसका इस्तेमाल करें। अच्छे से प्री हीट हो रखा है। ये देखिए इसके अंदर मैं नॉर्मल सॉल्ट ही यूज करती हूँ, जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी सॉल्ट का हमें इस्तेमाल करना होता है। इसके अंदर अब हम स्टैंड रखेंगे बहुत ही सावधानी से। गर्म है कुकर और इसकी फ्लेम एकदम लो कर देंगे। अब इसके अंदर हम सबसे पहले कटोरा रखेंगे। ये देखिए एकदम सावधानी से, और इसके ऊपर हम प्लेट रख देंगे। और इसकी फ्लेम वापस हम लो मीडियम कर देंगे। देखिए हमने पिज्जा प्लेस कर दिए हैं, अब हम कुकर का ढक्कन दोबारा कवर कर देंगे। हमने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है, अब 10 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर पिज्जा को पकने दीजिए। कुकर के ढक्कन के आपको विसल और रबड़ निकालकर ही कवर करना है, नहीं तो इसके अंदर स्टीम बन सकती है। 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसका ढक्कन खोलेंगे। उससे पहले आप इसकी फ्लेम एकदम लो कर दीजिए। और इसे अनकवर करेंगे। ये देखिए पिज्जा कितना अच्छा बन के आ रखा है, और हम नीचे वाला भी चेक कर लेंगे। बहुत ही ध्यान से, बहुत ज्यादा गर्म होती हैं ये प्लेट्स, आपको बाहर जल सकता है, तो ध्यान से एकदम ही। ये देखिए हमने निकाल लिया है, हम इसे साइड रखेंगे और दूसरा भी चेक करेंगे। ये देखिए दूसरा भी पक चुका है। ये हमारा थोड़ा चीज साइड में आ गया था शायद, इसलिए जल गया है, नहीं तो ये बहुत ही अच्छा बनकर आया है। इसे भी हम बहुत ही सावधानी से निकाल लेंगे। इनके ऊपर हम ऑर्गेनो स्प्रिंकल करेंगे। और साथ में चिली फ्लेक्स। हमारे दोनों पिज्जास तैयार हैं, ये एकदम ही क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं मिनी पिज्जास। आई होप आपको मेरे पसंद आए हो, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।